हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो यार मैं भी ठीक ठाक ही हूँ कह सकता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा देख सकते हो आप, क्योंकि ये पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो रिसेंटली मेरे ब्लॉग आए थे मंदिर वाले, उनमें देखा होगा आपने कि थोड़ा मेरा गाल में हल्का स्वेलिंग टाइप की थी ना, तो एक गांठ थी इसमें, बहुत पुरानी थी वो, तो एक बहुत हल्की थी वैसे, मतलब हाथ लगाने पर फील होता था, तो इधर बीच में काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो मैंने दिखाया फिर डॉक्टर को, तो टेस्ट वगैरह करवाए, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद तो ये स्थिति देख सकते हो आप। तो अभी टाँके वाँके लगे हैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। तो अभी 2-4 दिन हो गए इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आए। तो अभी कुछ दिन रेस्ट पर हूँ, बस मैंने कहा घर में नहीं बैठूँगा तो लोग स्टूडियो चला जाता हूँ, थोड़ा काम भी नहीं पड़ जाएगा, तो इसलिए अभी स्टूडियो में आया हूँ। तो एक मेरा पुराना ब्लॉग पड़ा था, धीरू भाई के शूट में गया था मैं, तो वो ब्लॉग आज डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि धीरू भाई की वीडियो 1-2 दिन हुए आए हुए, तो क्योंकि वीडियो आने के बाद ही बिहाइंड द सीन वगैरह हम डाल सकते हैं ना, क्योंकि उस वीडियो में जो मेरे ब्लॉग था ना, उसमें उस वीडियो के कुछ पार्ट थे, तो इसलिए मुझे ब्लॉग रोकना पड़ा, मतलब अभी डाला नहीं था मैंने, पुराना ब्लॉग है वो, तो इसलिए आज उस ब्लॉग को डाल रहा हूँ मैं, छोटा सा ब्लॉग था। तो देखो फिर आगे उस ब्लॉग को इन्जॉय करो, और फिर आगे मैं जब थोड़ा ठीक ठाक हो गए फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तो अब तब तक आप ब्लॉग को इन्जॉय करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे सब लोग? दिन बढ़िया होंगे? तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यार आज फिर से मैं बहुत टाइम बाद धीरू भाई के शूट में आ रखा हूँ, क्योंकि आजकल तो चल रहा है वेडिंग सीजन, तो आज मैं एक दिन फ्री था। धीरू भाई ने कब से कॉल कर कर पूछ के कब फ्री हो, कब फ्री हो। मैंने कहा चलो एक दिन निकालते हैं, आज फ्री था तो मैंने कहा चलो आज शूट निपटा देते हैं आपका, कब से मैंने स्टोरी लिख के रखी थी। तो अभी मैं धीरू भाई के वहाँ पहुँच के नाश्ता करके अब हम शूटिंग के लिए जा रहे हैं। टाइम मिला नहीं ब्लॉग बनाने का अभी, क्योंकि जल्दबाजी में आया ना सुबह सुबह, तो 8 बजे पहुँच गया था मैं इधर, सुबह घर से निकला मैं करीब 7 बजे के करीब, तो अभी पहुँच चुका हूँ इधर। बाकी अभी जा रहे हैं हम लोग शूटिंग के लिए, थोड़ा अलग लोकेशन है आज, तो बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर और पांडे जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम नीचे अपने पुराने घर में। हाँ, पुराने घर में लोकेशन, क्योंकि लोकेशन तो उसके घर से उसके बाद हम सारे खेत का सीन भी है, तो बाद में खेत में जाएंगे हम। अभी फिलहाल वो नीचे जाने हमें उधर वो घर में। एक्शन। तो देखो बोझ कस ताली का ताली गीता का ताली पे हसन है, मैं इसलिए शर्म नहीं लेता, चले मेरी जिंदगी बराबर कर बैठेगी। अरे देवरा के कोछा, अरे सुनी तुम बोल के वो मलबे के बसंती ने छे बिल ओ, अरे 3-4 दिन में गायब है रे, पति ना फोन फोन कभी तसई है, 3-4 दिन में फरार है रे, एता घर नहीं फरक रखो। तो बाप बहो, तो तू बेशर में छेड़ भईयो तसु के भैगुनी आबू घरवा में, आबू घरवा में नाखून गुल गदी बिल ठीक है को नहा देवरा, आ चलो चल बेटे ने के भरोसा ने हरा तो फिला कन है, समझाई करो इस बार की खराब है। तू तो बहुत अच्छी है, प्रेम खराब है उसमें, ऐसा करना है। और सालू यो गाड़, और सालू यो गाड़, लबा लब भरी रुचि, बस ये चीज है। इस एक्शन को देखिए, चलो मैं कह रही बाबटी का इशारा करना तो मैं बाबटी, देखो देवरा का बात करना है तो देखो देवरा का बात करना है, किले की उल्टी बात करनी हम ता आंखला फुटरी कानला फुटरी, किले पे उल्टी बात करना है तो मैं अंदर तेरा आंख फूटी है, तेरा आंख फूटी उससे कहना है, मुझसे मत कहना, उससे कहोगे देख लो था देवरा, इतना तुमने मुझसे कहा, बाकी सब उससे कहोगे। हां ये ऐसा लगी फूटरी का कान फूटरी, सिद्ध जलग्न होने है तू, बस चलो आओ, चलो अनिल करेगा, चलो आओ। क्या सुनता थी तेर आंखन के उन बोल, तू क्या लगा अभी निकाल ले भाई, उसका डालो कुरान में, तू कुरान में है, हां काटो काटो बोल, तेर आंखन का निकाल बे नहीं बेड़ पा तुम धर दूं मैं, ला वो बाबा चल ली भाई, तू आंखन का बात में निकाल ली, मैं वैसे कर तू करते रहो अपना ना यार, तेर बल दे जा आंखन का निकाल बे नहीं बेड़ पा तुम धर दूं, देखे ज्यादा ही खर चढ़ा रखो ना, ना नहीं सॉरी सॉरी मत बोझ, तुम चुप रहो, तुम्हारा हाथ जोड़ लूं, अरे समझूंगे लग रहा डुंगरी तकी, यो यो शिशु यो कौन जो चोकू, यो आगे सुनो लगा सुन लियो, वही पहले डायलॉग में पूछ सुन लियो, अरे ओवर यार तो रुको, ओवर लैप नहीं करो, हंसा नाम छ मेरे हंसा के सोचने छ तुम्हें की तू मगा मार बे ने अब घर में छू जा से तू, मैं जीत दी यो अपन हल यो बात से याद रख, बिंदी बिंदी ठीक कभी कर बता तेरे मना कर तेरा, तो मैं बिंदी जी पकड़ कर दे, चल कार का लगे छी गंदे गंदे सरकार में लग गए छी, ठीक कर
छाड़ देखी मैं फोन में सॉरी कोई बात कोई बात कोई बात यो हंसा बोस तुमको यस कुनेस आओ तुमको यस फूफू ये किसने की बात पहले के लास्ट में तू मैं नहीं करूंगी आज मैं नहीं अरे यार बड़ी ले उसको काम ले टाइप कर ले तुम दम से अभी ये ठीक है छुड़ाने आएगा तो यार एक वीडियो शूट हमारी हो गई कंप्लीट। पहले वीडियो हो गई, दो वीडियो शूट है, एक हो गई है नीचे खेत में था तो ऊपर से धूप भी देखो है धूप लग रही गजब वाली। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर खाना खाने, उसके बाद खाना खा के आएंगे फिर दूसरा वीडियो शायद ऊपर ही है नीचे मुझे पता नहीं वो शूट करेंगे। तो आज हमारे वीडियो में कलाकार पीछे आ रहे हैं पांडे जी और राजा भैया, बाकी लोग आगे हैं। अब ये आगे डायरेक्टर साहब हमारे डलिया लेके ठीक हो रहा बढ़िया। और ये आज दो हमारे नए कलाकार हैं, इनका नाम मीनू है। हम पहले मिल चुके हैं ना शूट में, हाँ। फलसीमा हाँ। सॉन्ग शूट था उसने मिले थे हाँ। और आपका नाम क्या है? मनीषा, मनीषा। हाँ। तो आज ये पहली बार आ रहे हैं वीडियो में, तो देखना फिर वीडियो जब आएगी शूट कैसा लगा क्या लगा करके वीडियो भाई के चैनल में आएगी। तो अभी चलते हैं फिर घर, पहले पेट पूजा करते हैं। भूख लग गई? भूख लग गई बहुत तगड़ी वाली, तगड़ी वाली। चलो फिर। तो खाना लग चुका है हमारे लिए, आज फर्स्ट क्लास राजमा चावल बना रखे हैं धीरू भाई ने और सब लोगों ने स्टार्ट कर लिया, मैं भी कर रहा हूँ स्टार्ट। आज कुछ मैं बोल पूछे मैं तुझे लगा लगा लगा